हेलो। हेलो मुर्गन। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? क्या मुर्गन, नंबर भूल गए क्या? कम से कम आवाज तो याद रखते मेरी। मैंने पहचाना नहीं। मैं हूँ शांताराम। सर, आपने कैसे? फोन नंबर बदल दिया तो सोचा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। तुम्हारे उस दोस्त ऑटो वाले ने ही दिया मुझे। ठीक है, मैंने तुम्हें क्यों फोन किया पता है? एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। बोलिए सर। अगले शनिवार को एक और बैंक को लूटने का प्लान है मेरा। तुम्हारी ड्राइविंग मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए सोच रहा हूँ तुम्हें साथ रख लूँ। नहीं सर, नहीं सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। एक बार जो गलती कर चुका हूँ उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। आपका मेरा कोई लेना देना नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं इस हादसे से उभरा हूँ। प्लीज सर, मुझ पे तरस खाइए सर, मुझसे ये नहीं होगा। मुर्गन, जब देखो बस तू रोता ही रहता है। हाँ एक बात है, काम तू अच्छे से करता है। नहीं। ए, रिलैक्स, थोड़ी देर में मैं तुम्हें फिर फोन करता हूँ। किस टाइम कहाँ आना है तब बताऊंगा। क्या हुआ मुर्गन, एनीथिंग रॉन्ग? नहीं, कुछ नहीं सर। क्या हुआ, सडनली तुम अपसेट हो गए हो? आखिर बात क्या है? दरअसल मेरा एक पहचान वाला एक्सीडेंट में गुजर गया। किधर और कब? विद्या। सॉरी सर। चेन्नई में सर, उसे एक्सीडेंट के बाद अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया है। वो बचा नहीं, यही बताने के लिए फोन आया था। पहचान वाला गुजर गया, इसके लिए आप इतने अपसेट हो रहे हो? मुर्गन, यू आर रियली ग्रेट। अनीता, यू आर रियली लकी। बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू फॉर अ फैंटास्टिक लाइफ। थैंक यू सर। चलता हूँ सर। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आइए बैठिए, मैं लेकर चलता हूँ ना, संभल के। हाँ सर, हॉस्पिटल लेकर चलूँ क्या आपको? नहीं भाई, रॉक टीवी के ऑफिस के जा। ये बात है, वहीं ले लो। ओके सर। कितना हो गया भाई? 40 रुपए हो गए सर। छुट्टे नहीं है मेरे आप पास। रख लीजिए। थैंक यू सर। सर, वो रॉक टीवी के अंदर जा रहा है सर। ऐसा क्या? हाँ सर, आपने जैसा बोला था मैंने उसका पर्स गिरा दिया सर। पर्स लौटाने के बहाने तुम उसका पीछा करो, लेकिन उसे शक ना हो। ओके सर। Listen here. Example 6. A temple bell weighing 300 newton is hung by using two ropes
PR and PQ. The rope PR is tied to a hook fixed to a pillar, and the rope PQ is tied to a hook fixed to a roof beam as shown in figure. Find the magnitude of the forces in the two ropes. Solution. Applying Lamy's theorem, we get 300 yen by sine 80 degrees is equal to F suffix PR by sine 150 degrees, which is equal to F suffix PQ by sine 130 degrees. FPR is equal to 300 yen cross sine 150 degrees by sine 80 degrees, which is equal to 152.3 N. And thus we get magnitude of the force in the rope PR is equal to 152.3 N. Vinod? Hey, Vinod! पैसा पैसा सब इसकी वजह से, नहीं चाहिए मुझे ये पैसा। नमस्कार सर, क्या प्रॉब्लम हो गई सर? गांव वालों का पैसा शिवानंद ने फाइनेंस कंपनी में डुबा दिया और आज अंदर छुप कर बैठा हुआ है। आप शांत हो जाइए, मैं आज इसे निपटा ही देता हूँ। गेट जरा जल्दी खुलिए मैडम। रुकिए, खोलती हूँ सर। शिवानंद घर में है ना? जी हाँ सर। क्या मैडम, आपके घर के सामने इतने सारे लोग शोर शराबा कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। ठीक है मैडम। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। जी बोलिए सर। क्या हुआ शिवानंद जी? इन गांव वालों से पैसा लेकर आपने फाइनेंस कंपनी चलाया, अब कह रहे पार्टनर के भागने से कंपनी में लॉस हो गया है, ये बहाना कब तक चलेगा? बाहर भीड़ देख रहे हैं, अब आप ही बताइए इन सब का क्या करूं मैं? कसम से मेरी गलती नहीं है सर, खुद के लोगों पर भरोसा किया, पता नहीं था कि वो लोग ऐसा करेंगे सर। आप अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो क्या अंदर जाकर पैसा निकाल कर देगा? जो भी बात करनी है यहीं पर कर। देखिए शिवानंद जी, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, इस घर को काउंसलर के नाम से कर दीजिए, सब मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन सर, हमारे इस घर की वैल्यू शायद आपको पता नहीं है।
गवर्नमेंट के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए और वो सिर्फ 50 लाख दे रहे हैं, फिर हम कैसे बेच सकते हैं? सुन भाई, हमने बहुत परिश्रम करके पैसे तुम्हारी कंपनी को दिए, हमारे पैसे वापस चाहिए। अब बोल, अब क्या करेगा तू? सर, धोखा देना हमारी फितरत नहीं है, हमें बस थोड़ा और टाइम दे दीजिए। टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। कंप्लेन करने वाले लोग तुम्हारे बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं। कानून के मुताबिक देखा जाए तो ये घर जब्त करना पड़ेगा। सर, मैं जितना जल्दी हो सके सबके पैसे लौटा दूंगा। सर, तू किस हिसाब से बोल रहा है कि जल्दी पैसे लौटा देगा? 2 साल से तेरा बाप यही बहाने कर रहा है, तो हम तेरी बात क्यों माने? सर, मैं वादा करता हूँ अगले मंडे तक सबके पैसे लौटा दूंगा, यकीन कीजिए। शिवानंद, अगर सोमवार तक पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। चलिए सर, वो कहीं भाग कर थोड़ी ना जाएगा। चलो चलो, हाँ चलो चलो, बाद में देखेंगे इसे। पापा, आप हिम्मत मत हारिए, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि आपने धोखा खाया है। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। वो देखो आ गया। तू ही शिवानंद का लड़का है ना? जी हाँ। हमने तुम्हारी कंपनी में पैसे लगाए हैं। अच्छा बताओ, उन लोगों के पैसे दे रहे हो तो हमारे पैसों का क्या? उनको पैसा देकर हमें धोखा देना चाहते हो? देखिए, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। प्लीज, यहाँ पर मेरा ऑफिस है, आप जाइए। रुको, सुनो, इस चिट्ठी में हम लोगों को कितना पैसा देना है सब लिखा हुआ है। अगर हमें सोमवार तक पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा, बता देता हूँ। चलो भाइयो, आ जाओ। एक मिनट होल्ड कर सर, आपको आते ही एमडी सर ने अंदर बुलाया है। ओ, सर आ गए हैं क्या? हाँ, वो आ गए हैं। मिस्टर मुर्गन, तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम बहुत है ऐसा मैंने सुना। सर, देखो देखो, वो तुम्हारी पर्सनल बातें हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब जाके धीरे धीरे ये चैनल थोड़ा एस्टेब्लिश होने लगा है। अब ऐसे वक्त में इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सर, सुबह मैंने घर पे सबसे बात कर ली थी, अब ये ऑफिस कैसे पहुंचे मैं नहीं जानता, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। सर, वर्किंग आवर्स में ऐसे भीड़ अगर ऑफिस के बाहर खड़ी रहेगी तो कैसे चलेगा? इसलिए पहले आप अपने सारे प्रॉब्लम्स खत्म कीजिए, उसके बाद ऑफिस आइए। मैं पहले से बहुत प्रॉब्लम में हूँ सर, और ऐसे वक्त में नौकरी चली जाएगी तो। सर प्लीज सर। मिस्टर मुर्गन, आप पढ़े लिखे हो, फिर हम बहस क्यों कर रहे हैं? ए मुर्गन, ऐसे उदास क्यों बैठा है? इस तरह से परेशानी हल होगी क्या? तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, तेरे ऑफिस गया था, लीना ने सब बताया मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं सीनू, एक हफ्ते में पैसों का इंतजाम करना है, पता नहीं ये सब कैसे होगा। सुमी मुझसे मिलना चाहती है, इसीलिए यहां पर आके बैठा हूं। ए, तू अपनी गर्लफ्रेंड से बोलना अपने बाप से 50 लाख मांगे। ए, हमारे प्यार के बारे में घर पे बताया या नहीं यही पता नहीं है, और तू चाहता है उसके पापा से पैसे मांगे। ए, ज्यादा मत सोच, जब उसके बाप से पैसे मिलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब तुझे एहसास होगा कि सीनू ने बिल्कुल सही बोला था। अच्छा ठीक है, जब तेरी गर्लफ्रेंड आएगी तो उसे होटल ले जाकर कोल्ड कॉफी पिला देना, ठीक है? आधे घंटे में लौटता हूँ, ले ये तेरे काम आएगी। अरे रख ले ना, रख ले, शर्मा मत, आता हूँ मैं। पापा प्लीज, मेरी एक बार बात सुन लीजिए पापा प्लीज। अंकल, मैं सुमिता का पापा हूँ। पता है अंकल। बैठे रहो बैठे रहो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना। तुम्हारे बारे में मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बताया, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ये भी बताया उसने। जी हाँ अंकल। तुम्हारे प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। हर लड़की का बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी जहाँ भी रहे, जैसी भी रहे, हमेशा खुश रहे। मैं नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ, मैंने अपनी दोनों बेटियों को ठीक से पढ़ाया लिखाया है, लोन और PF लेकर के मैंने अपना घर भी बना लिया है, इसलिए मैं इस विषय में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी बेटी ने तुम्हारी बात बताई तो सोचा तुम्हें आकर अपनी स्थिति बता दूं। जिंदगी का सवाल है तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। अपनी बेटी को तो मैं समझा लूंगा, लेकिन तुम भी समझ जाओ तो अच्छा है।
चलो बेटी। सुमी, तुमने भी अपने पापा की तरह प्रैक्टिकली सोच लिया ना? मैं तुम्हें याद करता हूँ तो इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागती थी। अब भी कह रहा हूँ, इतने तकलीफों के बाद भी तुम्हें जिंदगी भर खुश रख सकता हूँ, मेरा साथ दोगी? सुमिता, चलो। मालिक नमस्ते। आओ मुथुराम। मालिक, उस दिन भीड़ में आपके सामने आवाज उठाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए हम दोनों आज आपसे मिलने आए हैं। 15 दिनों में इसकी शादी है मालिक, और मेरे हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप फिक्र मत करो मुथुराम, आपको आपका पैसा जरूर मिल जाएगा। मालिक, थोड़ा जल्दी मिल जाएगा तो सामान लेने में आसानी होगी। इसकी तो माँ भी नहीं है, इसलिए शादी की सारी तैयारी मुझे ही करनी है मालिक। भरोसा रखो, मिल जाएगा, अभी आप जा सकते हैं। मालिक, भरोसा कर सकता हूँ ना? एक बार कह दिया ना मुथुराम। ठीक है मालिक। बेटी तू जा, मैं आता हूँ। मालिक, अगले शनिवार तक अगर पैसे नहीं मिले तो मुझे और मेरी बेटी को खुदकुशी करनी होगी। सब आपके हाथ में है। चलता हूँ मालिक। बेटा। हाँ बोलिए पापा। कहाँ है बेटा तू? ऑफिस में है क्या? नहीं पापा, ऑफिस से छुट्टी ली है मैंने, थोड़ा बाहर आया हूँ। क्या बात है, बोलिए ना पापा। तुम्हारे आसपास में कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, बोलिए ना पापा। वो मुथुराम घर पर आया हुआ था, 15 दिन बाद उसकी लड़की की शादी है, किसी तरह उसका पैसा हम चुका दें तो अच्छा रहेगा। वो बेचारा बहुत रो रहा था, पहचानते हो ना उन्हें? हाँ पापा, उन्हें पहचानता हूँ। ठीक है पापा। उन्हें देखकर बहुत बुरा लगा बेटा। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हो उसमें उनकी कोई गलती तो नहीं है ना? अगर वक्त पर पैसा नहीं मिला तो उनके घर पर आई बारात वापस लौट जाएगी और जिम्मेदार हम होंगे। मैं ये किससे कह सकता था, इसलिए सोचा कि तुमसे बात करके दिल हल्का कर लूं। उनके पैसों का इंतजाम मैं जल्द से जल्द करता हूँ पापा। बेटा तू एक काम करेगा बेटा? क्या पापा? आते समय वो रास्ते में वो सन्मुख को मिलते हुए आना। मैं उससे मिलने क्यों जाऊं पापा? उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं मुझे। उसके धोखा देने की वजह से ही हमें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि और कोई रास्ता नहीं है। बेटा मानता हूँ धोखेबाज है, लेकिन उसके हिसाब से अभी हमारा 13 लाख रुपया लेना बाकी है। मिल जाए तो काम बन जाएगा। तू एक बार जाकर उससे पूछ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो एक बार फिर से हमारी बेइज्जती करेगा। जब मुत्तू अपनी बेटी के साथ आया था तो उसकी बेटी की आंख में भी आंसू थे, देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ भी कर बेटा, मुझे डर है कि पैसा नहीं मिला तो वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है पापा, मैं जाकर उनसे मिल लेता हूँ। हे भगवान, हे भगवान, कोई रास्ता दिखा। सन्मुगम सर से मिलना है। आप कौन? शिवानंदन जी का बेटा। शिवानंद सर को तो देखा हूँ, पर आपको पहले कभी देखा नहीं। ठीक है, आप आ जाइए, आ जाइए अंदर, उस तरफ से जाइए। क्या बात है भाई? सन्मुगम सर से मिले। ऊपर हैं, अभी आएंगे, इंतजार करो। नमस्ते सर। कौन हो भाई तुम? पहचाना नहीं, मैं शिवनंदन जी का बेटा हूँ।
अच्छा उसके बेटे हो, बताओ क्या बात है? पापा ने आपसे मिलकर आने के लिए कहा। लेकिन किस लिए? उन्होंने कहा कि आपके पास उनके 13 लाख रुपए पड़े हैं। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है तू? ऐसे बोल रहा है जैसे 13 लाख नहीं 300 रुपए चाहिए। तेरा बाप अभी भी नहीं बदला क्या? हा? तेरे बाप के साथ धंधा करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, खुद भी डूबा और मुझे भी डुबो दिया। हा? आया बड़ा 13 लाख मांगने, मुझे लूट कर तुम लोगों को शांति नहीं मिली क्या? किसके पैसे किसने लूटे हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पापा ने मुझे सब सच बता दिया है। ए, तुझे बच्चा समझकर चुप हूँ तो तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। हा? क्या सच बताया? अरे तेरे बाप को धंधा करना नहीं आता, अगर तुझे आता है तो जाके लोगों के पैसे चुका, मेरे सामने हाथ मत फैला। उसका मैंने भला करना चाहा तो क्या ये मेरी गलती है? हा? सर आपके पास हमारे जो पैसे हैं वो लेने आया हूँ, आप पैसे दो या नहीं मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। बोलूंगा क्या कर लेगा तू? चल हाथ हटा, बढ़ाया पैसा मांगे। ए सिक्योरिटी जल्दी इधर आ, इसे बाहर कर। नर्क में जाएगा यार, इसे बाहर कर, चल निकल यहाँ से। एक दूंगा अगर ज्यादा बोला तो धोखेबाज कहीं का। तुम क्या इंसानियत है कि नहीं तुझे? आप बाहर चलो, बाहर आओ। बढ़ाया पैसा लेने, पैसा क्या कर रहे हैं आप? उनसे क्यों बहस कर रहे हैं? चलिए देखिए, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए उनसे, आप अपने पापा से बोलिएगा वो आकर के बात करें, ठीक है? अब आप जाइए। जीना नहीं चाहता, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं मर जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा, जीना नहीं है मुझे। पापा, पापा, मुझे। नहीं पापा, रुक जाइए पापा, पापा, हम कोशिश कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा पापा। क्या कह रहा है बेटा, पागलों जैसी बात मत कर, लाखों रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर, अब मैं कहां से चुकाऊंगा उसे, कैसे बता, कैसे होगा पापा? मुस्तफा नाम का मेरा एक दोस्त है, चेन्नई में बहुत बड़ा फाइनेंसर है, उसने कहा है कि वो पैसे दे देगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप हमें छोड़ के जाने के बारे में मत सोचिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मर जाने दो मुझे। पापा, मैं हूँ ना पापा, प्लीज आप अंदर चलिए, अंदर चलिए ना पापा, प्लीज पापा, मैं सब संभाल लूंगा, चलिए आइए अंदर। ऑटो, साइन लेके दे दे इसे। शुक्रिया भाई, चला जा, ये लो साइन करो यहाँ पे। हाँ, ब्याज बराबर टाइम पर देते रहना। ठीक है भाई, तो दे दो ना भाई। दे दे, चलता हूँ भाई। हाय मुर्गन, अचानक इधर। हाय मुस्तफा, क्या बात है? फोन पे बताया था ना मैंने तुझे, तेरे घर पर गया था, वहाँ पता चला कि तू यहाँ पर है। गांव में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है मुस्तफा, अगले मंडे तक मुझे किसी भी तरह सबके पैसे चुकाने होंगे। मैं तो दे रहा हूँ ना, थोड़ा अर्जेंट है, कल तक 10 लाख रुपए का इंतजाम हो सकता है क्या? बैलेंस कितना है बताना। जो भी पैसे बचे थे वो तो दे दिए। सॉरी मुर्गन, तू मुझे 4 बजे फोन करना, 10 लाख रुपए जो है मैं तुझे दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा। क्या यार, शुक्रिया भी ना। ठीक है, मैं तुझे शाम को 4 बजे फोन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको भी थैंक यू सर। हाँ ठीक है। हेलो बेटा। हाँ मैं उससे मिला माँ, मुस्तफा ने शाम तक पैसे देने का वादा किया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना।
मुर्गन का फोन है। उसे बोल दे मुस्तफा, उसके घर में बहुत पचड़े हैं। पिछले हफ्ते में उसके गांव में जाकर आया। मुर्गन का घर तू आसानी से नहीं ले सकता है। काउंसलर कदीर वेलन भी पिछले कई सालों से उसी घर के चक्कर में है। तू क्यों इन सब पचड़ों में पड़ रहा है यार? मेरी बात सुनो, दोबारा जब वो फोन करे ना तो उसे साफ साफ बोल देना कि मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कोई जबरदस्ती थोड़े ही है। चल तेरी चाल। उसी का है तो मना कर देना मुस्तफा। 10 लाख उसे इमरजेंसी में चाहिए, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। दे देना, दान समझ के दे दे यार। उसके घर के भरोसे मत देना। क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? मैं ठहरा बिजनेसमैन, इतनी आसानी से पैसा नहीं देने वाला। उसका घर मार्केट एरिया में है, उसी को ध्यान में रखकर पैसा देने को सोचा था। पर क्या है कि वो दोस्त भी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बोलने में दिक्कत हो रही है तो एक SMS भेज देना उसे। हाँ ये सही रहेगा। शाम को फोन करके पैसे ले जाना ऐसा कहा था, अब फोन नहीं उठा रहा है। 2 रिंग पर कट कर रहा है, शायद गाड़ी चला रहा होगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कहीं और से कोशिश करो मुस्तफा। अननोन नंबर। हेलो। हेलो मुस्तफा, मैं मुर्गन बोल रहा हूँ। ऐसे कैसे कर सकता है? मैं तुझ पे भरोसा करके यहाँ आया था, शाम तक पैसे मिल जाएंगे ऐसा तूने बोला था। मैंने माँ को भी कह दिया कि पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे मेरी बात तो सुनो। तू कुछ मत बोल मुस्तफा, तेरा SMS देखकर मैं बहुत अपसेट हो गया हूँ। ना मत बोल मुस्तफा, प्लीज मुझे 10 लाख दे दे। एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, अगर पैसे नहीं मिले तो वो लड़की और उसका मजबूर बाप सुसाइड कर लेंगे मुस्तफा। मेरे पापा ने कोई गलती नहीं की है, उनका पार्टनर उन्हें लूट कर चला गया, इसीलिए हम पे 50 लाख का कर्जा हो गया है। मेरे घर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। अगर तू मुझे अभी 10 और बाकी की रकम बाद में देता है तो मैं गांव जाकर घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगा और घर को तेरे नाम कर दूंगा। प्लीज मेरी मदद कर मुस्तफा। तू अभी कहाँ है? मैं अभी आकर तुझसे मिलता हूँ मुस्तफा। आयनावरम में ही है ना? आयनावरम में नहीं हूँ, अलवर पेठे में हूँ। और मैं मुस्तफा नहीं हूँ, रॉन्ग नंबर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। हेलो मुस्तफा। हेलो मुर्गन। कौन बोल रहा है सर? वही रॉन्ग नंबर। मेरा नाम जानते हैं और रॉन्ग नंबर भी कह रहे हैं? करेक्ट। तुमने थोड़ी देर पहले एक रॉन्ग नंबर डायल किया था ना? मैं वही रॉन्ग नंबर हूँ। अब देखा जाए तो ये रॉन्ग नंबर राइट नंबर हो गया। जब मैंने तुम्हारा फोन कट किया तो तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हारी वो परेशानी, तुम्हारे अंदर की इच्छा, तुम्हारे साथ हुआ धोखा, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी बेचैनी, ये सब मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए मैंने सामने से तुम्हें फोन किया। कैसा दोस्त है तुम्हारा, इतनी दूर बुला करके पैसे नहीं दिए। जब जरूरत के वक्त मदद ना मिले तो कितनी तकलीफ होती है मैं समझता हूं। बिल्कुल इसी तरह ही जब हम कर्ज के पैसे नहीं दे पाए तो मेरे मम्मी पापा ने सुसाइड कर लिया। मैं सिर्फ 12 साल का था, अपनी आंखों से देखा यह सब। बहुत दर्द से है मैंने, बहुत बहुत उन्हें बहुत मिस करता हूं। खैर जाने दो ये सब बातें, खैर अब ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर मैं कौन हूं, तुम्हें क्यों पैसे दे रहा हूं यही सोच रहे हो ना? फोकट में कोई पैसे नहीं देता। तुम कुछ घर के बारे में बात कर रहे थे? सर उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसमें? गांव वालों को 50 देने हैं और हमारी घर की कीमत 1.5 करोड़ है, और वो काउंसलर कबीर वेलम घर को हत्याना चाहता है, और वो हमें किसी और को भी बेचने नहीं दे रहा।
मुझे डर है कि इस घर को खरीद कर कहीं आप मुसीबत में ना आ जाएं। मुर्गन, कोई और लेगा तब मुसीबत होगी ना, मंत्री जी लेंगे तो क्या करेगा। सर आप क्या कह रहे हैं, परेशान मत हो, स्टेट और सेंट्रल में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनसे मेरी पहचान है, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। आप जिस तरह बात कर रहे हैं लग रहा है भगवान के अवतार हो सर। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूं भाई, सब ऊपर वाले का ही खेल है, रॉन्ग नंबर लगा के मुझे तुम तक पहुंचा दिया। पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अभी तुम हो कहाँ जरा बताना मुझे। सर मैं पुरुषों के पास जॉन लॉज में हूँ सर। तुम्हें ड्राइविंग आती है मुर्गन? हाँ अच्छे से आती है सर, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास बाइक या कार नहीं है। ओके 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 ओके, आप कहें तो मैं ऑटो से आ जाता हूँ। कहीं आने की जरूरत नहीं है, तुम जहाँ हो वहीं पैसे भिजवाता हूँ, तुम टेंशन मत लो। फिलहाल मैं बिजनेस मीटिंग के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। आप धोखा तो नहीं देंगे ना सर? अपने दोस्त की तरह समझाए क्या, मुझ पर भरोसा करो, जो भरोसा करता है उसका हाथ ये शांताराम कभी नहीं छोड़ता। सॉरी सर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 lakhs, लकी बॉय। हेलो सर। मुर्गन तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए मैंने एक आदमी से भिजवा दिए हैं, उसने लॉज के रिसेप्शन पे तुम्हारे लिए पैसे छोड़ दिए हैं, अभी फोन किया उसने, रिसेप्शन पे जा करके तुम वो पैसे ले लो। मैं भी वेल्लूर जा रहा हूँ, तुम पैसे लेकर के गांव जाओ और धूमधाम से उस लड़की को डोली में बिठाओ, बाद में कॉल करता हूँ, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊं। ओके ओके, गांव पहुंच करके फोन करना मुझे। ओके सर। सुनिए 108 नंबर रूम के लिए कोई पार्सल आने वाला। तुम्हारा नाम मुर्गन है क्या? हाँ मैं हूँ। तुम्हारे नाम का पार्सल है यहाँ। थैंक यू, ये लो। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। शांताराम भगवान है, भगवान ही है। तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा ना? हो जाएगा। ठीक है। क्यों मल्ली, बिजनेस कैसा चल रहा है? सिर्फ 4 सिम ही बिके हैं, ये लीजिए आप चेक कर लीजिए सर। कितनी बार समझाया है तुम्हें, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना सिम कार्ड किसी को नहीं देना है। अब उसमें मैं क्या करूं सर, बार बार कहता है कि मैं ला कर दूंगा, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती नहीं कह रहा हूं, ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है उसे ही देनी है, क्योंकि वही एक प्रूफ है जो ऑथेंटिक होता है। ठीक है सर, समझ गया ना। देखो ना, सिर्फ कार वाले ही फोन लेते हैं क्या, साइकिल वाले फोन यूज नहीं कर सकते? अब साइकिल वाले से मैं लाइसेंस कैसे पूछ सकती हूँ? रिचार्ज करना है मैडम। नंबर बोलिए सर। 9751020088। कितने का? 100 रुपए का भर दीजिए। गायत्री जरा फोन लाओ। ये लो माँ। हेलो। कदीर वेलम बोल रहा हूँ, शिवानंदा है? वो अभी सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरी बात उन तक पहुँचा देना। उस दिन जब लोगों ने हल्ला मचाया तो शिवानंदन ने कहा कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अभी मुथू की बेटी की शादी के लिए उसे 10 लाख रुपए दिए, तो ये पैसे कहां से आए? चोरी चुप के उसे पैसे दे दोगे तो क्या पता नहीं चलेगा हमें? अभी बिना बताए घर बेचने पर उतारू हो? मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा घर कौन खरीदता है। जरा अपने पति को बोलना कि आज का न्यूज पेपर पढ़ ले, बाप बेटे के पैरों से जमीन खिसक जाएगी। वैसे तुम्हारा वो बेटा कहाँ गया, उस दिन तो बहुत हाक रहा था। सोमवार तक का वक्त देता हूँ, पैसे वापस कर दे वरना ठीक नहीं होगा। मल्लिका लो ये पढ़ो, पढ़ो, देखो क्या लिखा है।
कुंभकोलम महानगर के रोड को चौड़ा करने के लिए राज्यसभा में निर्णय लिया गया है। ओजी पापा, कुछ नहीं पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं पढ़ो क्या हुआ पापा? मार्च 28 महानगर के मुनियप्पा नगर, शिवम कोविल स्ट्रीट, किलक के मेंदे विधि, पेरियक्कल विधि, इन सभी नगरों के रोड को हम चौड़ा करने जा रहे हैं, इसलिए इस एरिया में घर लेना और बेचना मना है। उन इलाकों में रहने वाले रहवासियों से सरकार विनती कर रही है कि जितना जल्दी हो सके वो अपने घर खाली कर दे। पढ़ो बेटा। बेटा, इसे ही रख के पैसे का इंतजाम करेगा बोल रहा था ना? हाँ, क्या लिखा पढ़ा? हाँ, पूरा का पूरा खर्च कर दिया। ये सारे पॉलिटिशियन का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें मर जाना चाहिए। शांत हो जाइए। अरे पापा, आप रोइए मत। मैंने शांताराम के बारे में बताया था ना, वो बहुत बड़ा आदमी है पापा, मंत्रियों से उसकी अच्छी खासी पहचान है। ये सब वो काउंसलर कबीर वेलम चेयरमैन पे दबाव डाल के करवा रहा है पापा। शांताराम से बात कर लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं अभी उससे बात करता हूँ। क्या बोल रहा है ये? थोड़ा ठहरिए ना आप। हेलो। हेलो सर। हेलो मुर्गन, क्या हाल है? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? एक प्रॉब्लम तो आपकी मदद से सॉल्व हो गई है सर, लेकिन क्या मुझसे बोलो ना मुर्गन। सर, हमारा जो घर है उसके सामने एक रोड है, राज्यसभा ने उसे चौड़ा करने का निर्णय लिया है, उसके लिए हमारा घर तोड़ेंगे, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। ये सब उस काउंसलर कबीर वेलम का काम है सर, वो बस किसी भी तरह हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ाना चाहता है। परेशान मत हो मुर्गन, मंत्री से बात करके तुम्हारा घर बिकवाने की मैं कोशिश करता हूँ, हो सके तो तुम चेन्नई आ जाओ, सामने ही बात कर लेंगे। मैं वहां कब आऊँ सर? हो सके तो आज ही आ जाओ। सर, आते वक्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊँ क्या? नहीं, वो सब नहीं चाहिए, आते समय बस एक जेरोक्स कॉपी लेकर के आना। सर, मैं आते वक्त अपने पापा को साथ ले आऊँ? उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो, रहने दो उन्हें। नहीं, वो उनकी वजह से डिले नहीं होना चाहिए ना, इसलिए। डिले नहीं होगा उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बस तुम जल्दी आ जाओ। पिछली बार जिस लॉज में रुका था वहीं आकर फोन करता हूँ। ओके मुर्गन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आइए सर। यहाँ पे कोई मुर्गन है कुंभकोलम से? एक मिनट, ऊपर 110 नंबर राइट में। हेलो सर, आप आने वाले थे इसलिए मैं रूम से कहीं बाहर गया ही नहीं, अभी कहाँ है सर आप? मैं तुम्हें ही देखने गया था लेकिन तुम थे नहीं। चाय पीने चला गया था सर, एक फोन तो कर सकते थे आप। थोड़ी जल्दी में था इसलिए निकल गया, फोन नहीं कर पाया, उसी रास्ते से जा रहा था, सोचा कि तुमसे भी मिल लूं। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे रूम के सामने एक गमला रखा है ना, उसके नीचे एक लिफाफा है। उस लिफाफे में एड्रेस है क्या? मुर्गन, पहले तुम बाहर जाओ, उस लिफाफे को लेकर रूम में वापस आओ, फिर बात करते हैं।
उसके अंदर सारी डिटेल्स है। बाद में फोन करता हूँ। ओके सर। हेलो। हेलो सर। हाँ मुरुगन, लिफाफा देख लिया तुमने? इसमें तो कुछ फोटोज हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। कल उसी बैंक से हम पैसे निकाल रहे हैं। ओ ये बात है सर, जिनकी फोटो भेजी है वही घर खरीदने आ रहे हैं ना? नहीं मुरुगन, पैसा इन लोगों के पास ही है। वो आदमी मैनेजर है और वो लड़की कैशियर। पहचानने में आसानी हो इसलिए फोटो दिया है। कल उस बैंक में हम रॉबरी करने वाले हैं। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर, बैंक रॉबरी करने वाले हैं हम लोग? हाँ मुरुगन, पैसा नहीं रहता है तो बैंक से ही निकालना पड़ता है। सर आपने तो कहा था कि आप बड़े बिजनेसमैन हैं। ऐसा बोला था मैंने, यही तो मेरा बिजनेस है, रॉबरी करने का। यस, इस बिजनेस में 100% प्रॉफिट। ओ नो, नहीं सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। टेंशन मत लो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे चुपचाप सुनो। रिश्वत खा खा कर सरकारी अफसर पेट भर रहे हैं, बड़े पोस्ट पे बैठे मिनिस्टर्स परमिट और परमिशन से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हमारे देश के आधे से ज्यादा लोग सरकार से खिलवाड़ करके पैसे छाप रहे हैं। अगर इन सब से हम कंपेयर करें तो हम दोनों जो करने जा रहे हैं वो छोटी सी गलती है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम्हें आसानी से मिल जाएगा और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अच्छे से सोच कर देखो, ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें मेरे साथ रहना है। नहीं सर ये गलत है, मैं नहीं कर सकता। Sorry, sir. कुमकोलम की टिकट है ना सर? एक दीजिए। 500 रुपए सर।
ये लीजिए। हाँ ये लीजिए आपकी टिकट। मल्ली जरा मुर्गन को फोन लगाना, मैं ट्राई कर रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है लेकिन स्विच ऑफ ही आ रहा है। सबके फोन लग रहे हैं, सिर्फ इसका ही फोन बंद आ रहा है। किस लिए फोन बंद करके बैठा है? गायत्री। हाँ माँ। भैया का नंबर ट्राई किया क्या? हाँ भैया का फोन ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो, कौन सा गाँव जाना है? कुंभकोलम। लाओ देखो। बस आ गई क्या? बस निकलने वाली है। यही बस है ना? हाँ यही है। ये लो 12 नंबर सीट। हाँ। है जाकर बैठो। मम्मी। हाँ मम्मी बोलो। बेटा मैं पापा बोल रहा हूँ। बेटा बोलिए पापा। हम सब तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रहे हैं, बार बार तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा है। गायत्री का भी फोन नहीं लगा तो उसने तुम्हें मैसेज किया। हम सबको बहुत डर लग रहा था बेटा। कहाँ हो और तुमने फोन क्यों ऑफ कर रखा था? वो क्या हुआ पापा, मेरी फोन की बैटरी खत्म हो रही थी इसीलिए मैंने फोन बंद कर दिया था। वो सब तो ठीक है बेटा, जिस काम से गए वो हुआ। पैसे मिल जाएंगे पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूंगा। ठीक है बेटा, तू जब इतना बोल रहा है तो सब ठीक ही होगा। एक मिनट रुक, ले माँ से बात कर। मुर्गन कह रहा है काम हो गया। हेलो। हाँ बोलो माँ। बेटा मेरे आसपास कोई नहीं है इसलिए जो कुछ भी है तू मुझे सच सच बता सकता है। देख मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ, क्या सच में वो पैसे हम लोगों को हमें मिल जाएंगे ना? हाँ क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल के अखबार में आएगा कि एक परिवार ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। तो उसके बाद कहीं दूर चले जाओ। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें वहां कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें मेरे साथ आना है। पैसा नहीं होने पे कोई इज्जत करता है? कोई इज्जत नहीं करता, पैसा ही सब कुछ है। करोड़पति भी नमस्कार करेंगे तुम्हें। जरा एक बार सोच कर देखो, जिंदगी बदल सकती है तुम्हारी। बेटा अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल के अखबार में आएगा कि एक परिवार ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। मैं जीना नहीं चाहता, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं मर जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ भी कर बेटा, मुझे डर है कि पैसा नहीं मिला तो वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। जरा एक बार सोच कर देखो, जिंदगी बदल सकती है तुम्हारी। हेलो सर, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ सर, मुझे मुझे पैसे चाहिए, मुझे किसी भी तरह पैसे चाहिए। ओके ओके,
इमोशनल मत हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे चुपचाप सुनो। लॉज के रिसेप्शन पर ब्लैक कलर की एक ड्रेस रखी है, उसे पहनकर तुम बैंक के पास पहुंच जाना। ओके? टोकन नंबर वन, काउंटर नंबर वन, टोकन नंबर टू, काउंटर नंबर थ्री। टोकन नंबर फाइव, काउंटर नंबर वन, टोकन नंबर सिक्स, काउंटर नंबर टू, टोकन नंबर एट, काउंटर नंबर वन, टोकन नंबर नाइन, काउंटर नंबर थ्री। सर, तुम्हें लॉ से यहाँ आने में इतना टाइम लगता है क्या? टाइम निकलता जा रहा है, कम ऑन क्विक। सर, मैं बैंक के पास ही हूँ, पर क्या ये परवर है? दरअसल सर, पहले जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो अपने हस्बैंड के साथ बैंक के अंदर जा रही है, उसके सामने जाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए सर। तो क्या हुआ? सर, गर्लफ्रेंड सर। अबे वो अपने पति के साथ जा रही है, तू क्या अभी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर रहा है? वो किसी और की बीवी है, सोच मत, तुरंत एक्टिव हो। ठीक है सर। तुम्हें जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। बैंक से 10 मीटर की दूरी पर एक पजेरो खड़ी दिख रही है तुम्हें? हाँ, दिख गई सर। अब तुम्हें क्या करना है पता है? बिना कोई टेंशन लिए इसे अपनी ही गाड़ी समझ कर कार की लेफ्ट साइड में आकर के बैठ जाओ, समझ गए? इससे किसी को शक नहीं होगा। हाँ, हाउसिंग लोन जल्दी मिल जाएगा ऐसा मैनेजर ने कहा है। अपने फोन इसमें डालो, जल्दी करो, जाओ फोन कनेक्ट करो, जल्दी। जल्दी करो, जल्दी ठीक। कोई हिलेगा नहीं, लॉकर रूम कहाँ है? बोल, मैं तो ठोक दूंगा। बता लॉकर रूम कहाँ है? चाबी कहाँ है लॉकर रूम की? जल्दी बता कहाँ है? बोल, जल्दी बोल। कोई भी अपनी जगह से हिला तो उड़ा दूंगा, कोई होशियारी नहीं। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। Move, move, fast, jaldi, jaldi. Hey, hey, hey. Come on!
इधर आ तो। चल। सर, पैसे गिर गए सर। चल। आ रहा हूँ सर। पुलिस पीछे पीछे पिता की गाड़ी निकाल। अगर किसी ने गोली चलाई तो ये लड़की मारी जाएगी। कोई होशियारी नहीं करेगा। चलाओ बंदूक उसकी तरफ करो। रुक जाओ रुक जाओ। छोड़ दो मुझे। गाड़ी जा रही है। चल जल्दी गाड़ी निकाल। चल चल जल्दी का। जल्दी गाड़ी लेकर आओ। फास्ट जल्दी यहां पर आओ। यस सर।
उठाओ इसे, पुलिस स्टेशन ले आओ, निकल से, उठो आराम से, उठो, गाड़ी में बिठा इसे, गाड़ी गाड़ी चल, मुझे छोड़ दीजिए, कहाँ है, मैंने कुछ नहीं किया, चल इधर चल, चल, बैठ जा, चल बैठो, मुझे छोड़ दीजिए, चल मुर्गन, मुर्गन, क्या कर रहा है? रुक, रुक।
नमस्ते सर। आओ राम रतन आओ। कोई खबर मिली क्या सर? बैंक पियून से लेकर मैनेजर तक सभी से इंक्वायरी कर ली मैंने, इसी सिलसिले में मैंने तुम्हें बुलाया है। वैसे तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? सर मेरी एक्सपोर्ट कंपनी है, हजारों लोग काम करते हैं उसमें। उस दिन पगार निकालने के लिए बैंक गया था, तभी ये हादसा हुआ सर। और तू, तू कौन है रे? ये मेरी कंपनी में काम करता है सर। सवाल तो मैंने इससे किया था, तुम जवाब क्यों दे रहे हो? गूंगा है क्या? चलिए जरा। अच्छा तो बता, तेरा नाम क्या है? शुभराज सर। कहाँ पे काम करता है? सर के पास ही काम करता हूँ सर, जहाँ जहाँ जाते हैं मैं भी वहाँ जाता हूँ। साथ साथ जाता है तू? बैंक की सारी डिटेल्स जानकर साथियों को इकट्ठा करके बैंक को लूट लिया तूने, होशियार है तू? सर अपनी जबान संभाल के बात करो। क्या बोला तू? क्या रे, मुझे तमीज सिखाएगा तू? छोड़ दीजिए सर, अपने आप को समझता क्या है? रहने दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर। 10 साल से मेरे पास काम कर रहा है, बहुत भरोसे वाला आदमी है। उस दिन मेरी जान इसी ने बचाई थी सर। तुम सर्टिफिकेट मत दो, हम पुलिस वाले हैं, हम किसी को भी बुलाएंगे, किसी से भी इंक्वायरी करेंगे, समझ गए? चलो जाओ, जाओ यहाँ से। मैडम सिम कार्ड है क्या? हाँ है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो तो है, आईडी प्रूफ क्या चाहिए? क्या आईडी प्रूफ है आपके पास? राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों। ओह, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? फिर तो हो गया, दिल्ली तक चलेगा ये। ये लीजिए फोटो। आपने कार लाइसेंस रखा है, कार अच्छे से चला लेते हैं? अच्छी चलाता हूँ मैडम। ओह यहाँ पर साइन कीजिए। ये देखिए, इनमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। ये नंबर ले रहा हूँ। ओके लीजिए, ये लीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। ए, सच सच बता, उस दिन 2 जन बैंक में आए वो कौन थे? मुझे सच में नहीं पता है सर। अपना घिसा पिटा कैसेट मत बजा, सच क्या है बता। मैं सच ही बोल रही हूँ सर, वो लोग कौन थे मुझे सच में नहीं पता सर। पता नहीं कह रही है, ये बैग तो तेरा ही है ना? हाँ सर। इसमें इतने सारे पैसे, ये तेरा कमीशन है या एडवांस है? बैंक में पैसे कैसे आए मुझे नहीं पता सर। इतनी देर से पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आता? उन 2 चोरों के साथ तेरा क्या संबंध है? सिर्फ चोरी में ही उनका साथ देती है या कोई और चक्कर भी है? माधवी सर। ओके सर। चल बता, सच क्या है बता, बता। वो दोनों कौन है? नहीं बता, सच बता, नहीं तो बहुत लंबे के लिए अंदर जाएगी। चल बता। मुझे नहीं बता। झूठ बोलती है? मैं झूठ नहीं
मानेगी। मुर्गन, पुलिस तुमसे मिलने आई है बेटा। और कितनी देर लगेगी? जल्दी बाहर आओ, इंतजार कर रहे हैं। यस मुर्गन, तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ जी सर। पासपोर्ट के लिए तुमने अप्लाई किया था? साइन ले लो इसका। साइन कर दो बेटा। हम तुम्हारा वेरिफिकेशन करने आए थे, ठीक है? ठीक है सर, चलते हैं। थैंक यू। नमस्ते सर। सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम, क्या बात है शांताराम जी, बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दिए। बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा बिजी हूँ सलीम भाई। जल्दी ही कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं। अब पहले वाली बात नहीं रही, पुलिस एनी टाइम राउंड मार के जाती है। वैसे ठीक है, फॉरेन है या लोकल है? फॉरेन भी है लोकल भी है। ओके, 5% कमीशन दे दीजिएगा। अब ये बताने की जरूरत क्या है भाई? ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। अपना कोडवर्ड लैंड है, उनका कोडवर्ड सैंड है, ये सब ठीक करके मुझे बता दीजिए। ओके, अच्छी है राइमिंग, लैंड सैंड। बिल्कुल। बच्चा न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हेलो मुर्गन। सर कहाँ है अभी तू, घर पे है क्या? हाँ सर। पैसा नहीं दूंगा यही सोच रहे थे? गलत करने वाला हर इंसान बुरा नहीं होता, थोड़ी देर में पैसा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। घर पे रहना, कुछ दिन बाहर मत जाना। सर उस दिन मैं बहुत डर गया था सर। डरने से दिमाग काम नहीं करता, गलत करने के बाद हिम्मत दिखानी चाहिए। एक छोटा सा डर ही हमें बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। सर पहले मुझे डर लग रहा था पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन अब पैसे लेने से डर लग रहा है मुझे सर। वो तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए सर, हम ये घर काउंसिलर को बेच के कहीं और रहने चले जाएंगे। अच्छा आइडिया है, काउंसलर के पास घर बेचकर कर्ज चुकाकर क्या करोगे तुम? मुझे वो पैसे नहीं चाहिए प्लीज। चाहे तू ना बोले या चाहे मैं ना बोलूं, लेकिन जो पैसा आना है वो आकर ही रहेगा। इस समय अगर तूने पैसे लेने से इनकार किया तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, जो पैसे लेकर आ रहा है वो तुझसे कुछ पूछेगा नहीं, तेरे पास आकर वो कुबेर बोलेगा, तू उसे जवाब में कुंभ बोलना। तू उसे जैसे ही कुंभ बोलेगा उसी समय तू कुंभ राशि का हो जाएगा। 1 करोड़ तेरे पास चलकर आ रहे हैं। सर 1 करोड़? अब तक तो वो पैसा तुम्हारे घर पे आ जाना चाहिए था। उसके बाद उन पैसों का क्या करना है ये सिर्फ तुझे ही सोचना है। सर सर मुझे हेलो हेलो सर सर हेलो चे... कुसेल, कुसेल, कुबेर। कौन है ये बेटा? फ्रेंड है माँ। उसे एक कप कॉफी तो पूछ बेटा। नहीं माँ, उसे जल्दी से कहीं पहुंचना है। ठीक है। Thank you.
वहां जितने थे सबकी इंक्वायरी हो गई, चोरी किए हुए पैसों की भी इंक्वायरी हो गई। उससे पता चला कि तू इस चोरी के बारे में जानती थी। तो अब बता, तेरे दो साथी कहाँ हैं? कितनी बार कहूँ कि मुझे नहीं पता। ऊंची आवाज में बात करती है। कांस्टेबल, इधर जल्दी आओ। मिस्टर रामचंद्रन, ये केस अभी तक कहां पहुंचा है? इस केस की हर तरह की इंक्वायरी हो चुकी है, लेकिन वो लड़की मुंह ही नहीं खुलती सर। अचानक बेहोश हो जाती है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। पता है रामचंद्रन, एसी ने बताया है मुझे, इसलिए मैंने आपको ऑफिस में बुलवाया। यस सर। केस बहुत सेंसिटिव हो रहा है, पता है आपको? बिना किसी गवाह या सबूत के उस लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं, ये सब प्रेस और मीडिया में छप रहा है, पता है? बिना सबूत के हमने उसे अरेस्ट नहीं किया है। उसके पर्स में चोरी किए हुए पैसे मिले हैं सर, इसी बिना पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स मिस्टर रामचंद्रन, योर पॉइंट इज राइट, लेकिन ये न्यूज वाले क्या लिख रहे हैं आपको लगता है बिल्कुल पता नहीं है? लीजिए, आप खुद ही पढ़ के देखिए। अरे हाँ, रात को पार्टी है ना, उसके मैं जरूर आऊंगी, मिस नहीं करूंगी। हाँ, सर, गुड मॉर्निंग सर।
मीडिया वाले ही नहीं, मानवाधिकार वाले, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, महिला संगठन, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, इन सभी को ईमेल के थ्रू पता चल गया है। होम सेक्रेटरी डिटेल्स पूछ रहे हैं मुझसे। इन सबका जवाब कौन देगा मिस्टर रामचंद्रन? आप नहीं, मैं। सर एनीवेज, इस केस का पूरा डिटेल्स मैंने मंगाया था, वो आप लेकर आए हैं? लाया हूं ना सर। Yeah. Sir, CBI officer has come to meet you, sir. Send him in. Okay, sir. May I come in, sir? Ah, welcome. You must be Mr. Sedu. Yes, sir. Please be seated. Thank you, sir. Tell me. Paxo Bank robbery के सिलसिले में इंक्वायरी करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। I already got the information, and this is the case file. You can go through it. Thank you, sir. तो अब वो लड़की कहां पर है? हॉस्पिटल में है सर। व्हाट मिस्टर सेठ, उस लड़की से मिलना चाहते हैं? नो, नॉट नेसेसरी। सर भास्कर, कल उस लड़की को कोर्ट में हाजिर करने वाले हैं, तुम उस पर बारीकी से नजर रखना। ओके सर। विद्या सर, कम हियर। यस सर। तुम एक काम करो, यहाँ से बैंक में जाओ। हाँ? कौन सा बैंक सर? जिस बैंक में रॉबरी हुई है वहाँ, और बैंक में जाकर हर एंगल से फोटो लेकर आओ। फोटो लेना है, लेकिन क्यों सर? Just do what I say. हाय। हाय, मुर्गन सर। अंजलि के केस को आपने जिस तरह लाइव शूट किया है, बहुत अच्छा हुआ। जॉइन करते ही आपने अच्छा इंप्रेशन बना लिया है। एनीवे कांग्रेट्स। थैंक यू। ओके, थैंक्स अ लॉट। रॉक टीवी के मुख्य समाचार। चेन्नई में थोड़े ही दिन पहले टैक्सो बैंक में हुई रॉबरी के सिलसिले में कैद हुई उस बैंक की कैशियर अनीता को आज सुबह कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने उसके कहीं बाहर जाने पर रोक लगा दी है ताकि पुलिस उससे और जानकारी हासिल कर सके और इस रॉबरी के तह तक पहुंच सके। कैमरामैन सुब्रतो के साथ असावरी। हेलो, मैं रॉक टीवी से बोल रहा हूँ, आप अनीता है ना? ये नंबर आपको कहाँ से मिला? जी वो अपने चैनल का नाम लेकर पुलिस वालों से आपका नंबर लिया। हमारे चैनल पर सच्चाई की जीत नाम का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, इसीलिए आपको फोन किया। मेरा नाम मुर्गन है। मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना। सरे आम मेरी बेइज्जती हुई है, उसे बार बार टीवी पर दिखा रहे हो ना, वही काफी है। मुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी है, प्लीज। Excuse me, we are from CBI. बोलिए सर। सुनिए, अभी यहाँ पे दो लड़कियाँ आई थी ना? जी हाँ सर। क्या कहा उन्होंने? वो काम के लिए पूछने आई थी, उनमें से एक लड़की बैंक रॉबरी से जुड़ी हुई है, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा था, तो सर मैंने उसे पिछली कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर लाने के लिए कहा है। ओके। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? नो। ओके, थैंक यू। हेलो सर, वो काम की तलाश कर रही थी। काम की तलाश? समथिंग इज रॉन्ग सर। वो जानबूझकर भीड़ में शामिल हो रही है ताकि जब कोई उससे मिलने के लिए आए तब उस पर किसी को शक ना हो। तुम उस पर कड़ी नजर रखो। ओके सर। Hello.
और वो के? क्या हुआ तुझे? रुक, मैं एक मिनट में आता हूँ। सुनिए, आप वही अनीता है ना? मैं वही हूँ जिसने रॉक टीवी से फोन किया था। मुर्गन, मैंने कहा था ना मुझसे नहीं होगा, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अपने चैनल की टीआरपी और बढ़ाना चाहते हो ना? अरे आप तो मुझे गलत समझ रही हैं। आपको न्याय मिलना चाहिए और ये बात सारी दुनिया को पता चले, इसीलिए आपको हमारे प्रोग्राम में बुला रहा हूं। कुछ भी हो मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी दूसरी मुसीबत में नहीं फंसना। प्लीज मुझे माफ कर दो, चल निकलते हैं ऐसे। सुनो अनीता, पागल लड़की है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, होम सेक्रेटरी के ऑफिस से एक मेल आया है। इंक्वायरी को तेज करने के लिए बोला उन्होंने। चेन्नई शहर में पिछले 3 सालों में 5 बार बैंक रॉबरी हो चुकी है सर। एक एक बैंक को करोड़ों का लॉस हुआ है सर, जबकि उससे रिलेटेड हम में से किसी के पास एक भी गवाह नहीं है सर। पुलिस इंक्वायरी में भी कोई एविडेंस नहीं मिला है सर। अब हम आगे कैसे बढ़े सर? हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ये केस खत्म होगा। उन चोरों का इंटरनेशनल क्राइम के साथ कोई ना कोई लिंक तो जरूर है सर। कहीं वो लोग इंडियन रॉबिनहुड के जैसे तो नहीं है? पुलिस वालों को तो चकमा देते आ रहे हैं और अब हमें भी चकमा दे रहे हैं सर। विद्या, केस को हमारे हाथ में आए 1 महीना ही हुआ है, प्रेशर आना शुरू हो गया। ऐसी फालतू बातें करके समय बर्बाद मत करो। सॉरी सर। गो नाउ, चलते सर। अनीता, तू और मंजू जॉब के सिलसिले में गए थे, उसका क्या हुआ? तुझे वहां पर जॉब मिल गई क्या? उन्होंने 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा है। अनीता, सुबह मेरे हस्बैंड का फोन आया था। हाँ, अच्छा, वो यहाँ आ चुके हैं क्या? नहीं, लेकिन वो अपने सिस्टर के मैरिज के लिए 1 महीना पहले यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने एक बात कही है। क्या कहा? उन्होंने ये कैसे कहा मुझे भी नहीं पता, और मुझे वो बात पसंद भी नहीं आई। अनीता प्लीज गलत मत समझना। तुमसे ऐसा क्या कहा उन्होंने? रॉबरी के केस में फंसी हुई अपनी दोस्त को तूने घर पे रखा है तो लोग क्या कहेंगे? इससे अच्छा होगा तू उसे किसी हॉस्टल में डाल। मैं भी कल अपने गांव जा रही हूँ, अगर तुझे कोई हॉस्टल पता है तो बता दे, मैं हेल्प कर दूंगी। कर मैं मम्मी को फोन देती हूँ। मम्मी, दीदी आपसे बात करना चाहती। उसने यहाँ क्यों फोन किया है? मेरे लिए वो मर चुकी है। मुझे यकीन नहीं होता कि चंद पैसों के लिए उसने परिवार का नाम खराब कर दिया। अगली बार यहाँ फोन न करे ऐसा कह दे उससे। उसकी क्या गलती है मम्मी? किसी और ने चोरी की और ये फंस गई है। तो तू कहना चाह रही है कि जो पूरी दुनिया कह रही है वो झूठ है? पुलिस झूठी है, न्यूज वाले झूठे हैं। आग के बिना धुआं नहीं उठता। तू जा और अपना काम कर, जा। लक्ष्मी, you're ready? Okay, sir. Let's start. थोड़ा और ज़ूम करो। नमस्कार, रॉक टीवी के सच्चाई की जीत प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारे सच्चाई की जीत प्रोग्राम में हमारी चीफ गेस्ट है मिस शांति। इनके दीदी के हस्बैंड यानी जीजा से परेशान होकर इन्होंने जब एक सख्त कदम उठाया तो कानून की नजरों में इन्हें एक खूनी साबित कर दिया गया। आप कुछ कहेंगी शांति जी? कट करो। सुनिए, हम समझते हैं, आप शांत हो जाइए। आपकी प्रॉब्लम हम दुनिया के सामने लाएंगे। ये शो जब पब्लिक देखेगी तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। ओके, गुड। सुन, मैडम का टाइप कर देना। टेक कर, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो, मैं अनीता बोल रही हूँ, आपसे अर्जेंटली मिलना चाहती हूँ, आप आ सकते हैं? कहाँ? कोमला अपार्टमेंट्स, पालकरण। मैं आधे घंटे में आके आपसे मिलता हूँ। मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? मुझे अर्जेंटली शिफ्ट होना है, क्या आप मुझे एक हॉस्टल ढूंढ कर दे सकते हैं प्लीज?
एक गर्ल्स हॉस्टल है मेरे पहचान का, आप पीछे बैठिए। सर, कोमना अपार्टमेंट से रॉक टीवी रिपोर्टर मुर्गन और अनीता निकल चुके हैं सर। कोमना अपार्टमेंट किस एरिया में है ये? पालक्करम एरिया में सर। ओके, पालक्करम। क्या हुआ? पंचर है। बैड लक। चलिए। लक के बारे में और मैं क्या कहूँ? गुड लक कब बैड लक बन जाए पता नहीं चलता। अपने बारे में कह रही हूँ, मुझे तो अब भी डर लग रहा है। आप मेरे साथ आ रहे हैं तो लोग आप पर भी शक करें। क्यों? सोचने की बात है, टीवी पर जिन लोगों ने मुझे देखा है आपको मेरे साथ देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम दूसरे बैंक में रॉबरी के लिए जा रहे हैं। क्या अनीता, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? पुलिस वालों ने शक किया वो ठीक है, पर मेरी माँ और मेरी छोटी बहन ने भी भरोसा नहीं किया। सालों पुरानी हमारी दोस्ती को भी भुलाकर मेरी फ्रेंड ने मुझे उल्टे सीधे बहाने बनाकर अपने घर से निकाल दिया। इसीलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तो मैंने आपको फोन करके बुला लिया। आप एक अकेले इंसान हैं जिसको मुझ पर विश्वास है, इसीलिए आपको फोन करने का मन किया मेरा। अनीता, अभी ही नहीं, जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझे फोन कर सकती हो, ठीक है? अब चलो। गुड मॉर्निंग सर। एनी न्यूज सर? रॉक टीवी मुर्गन ने अनीता को कल लेडीज हॉस्टल में शिफ्ट किया सर। रियली? उतना ही नहीं सर, हॉस्टल का एडवांस पेमेंट भी उसी ने किया है सर। मुर्गन अनीता की हेल्प क्यों कर रहा है? सर, मुर्गन के सारे डिटेल्स कलेक्ट किए हैं सर। वो कुंभकोलम के आईटी टीवी में काम करता था और उस एक्सपीरियंस से वो तिरची के रॉक टीवी में काम कर रहा है। विद्या, अनीता के बारे में पूछा तो मुर्गन के बारे में बता रही हो, उसकी हिस्ट्री से हमें क्या? सर, मुझे उस पर डाउट है सर। कैसा डाउट? मुर्गन ने अनीता का इंटरव्यू लेने के बाद वो उससे प्यार करने लगा है। उन दोनों की केमिस्ट्री वर्कआउट हो रही है सर। केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी फालतू बातें मत करो, जिस काम के लिए आई हो वो करो। यस सर। यस सर। ओके सर। We'll be right back.
क्या हुआ? चलते हैं यहाँ से। कौन है वो? चलते। क्या अचानक क्या हो गया अनीता, बताओगी? अनीता तुम क्या कभी मुझसे बात नहीं करोगी? पुलिस इंक्वायरी में जब मुझे चोर साबित किया जा रहा था तब मेरी याद नहीं आई? पुलिस मुझे टॉर्चर कर रही थी तब कहाँ थे? अनीता तुम जानती नहीं मुझ पर क्या बीती? जानती हूँ। मैरी जब तुमसे मिली थी तब तुमने उसे क्या कहा था मैं जानती हूँ। पुलिस अगर उसे क्लीन चिट देती है तो ही प्यार कंटिन्यू करूंगा, ऐसा कहा था ना? प्यार को मजाक समझ रखा है तुमने। ये मुर्गन है, मैं इन्हीं से शादी करने वाली हूँ। जब मैं बिल्कुल अकेली थी तब इन्होंने ही साथ दिया। आज से तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारा चेहरा तक देखने की इच्छा नहीं है मेरी। अपने लिए किसी और को ढूंढ लेना प्लीज। सर, सीबीआई ऑफिसर सेदू से मिलने आए हैं, उन्होंने ही हमें यहाँ बुलाया था। यस, आई एम सेदू और मैंने ही बुलाया था। सर, मैंने कोई गलती नहीं की है सर, मुझे कुछ नहीं पता। सर, ये आई नो रॉक टीवी में काम करने वाले मुर्गन, आप दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले जी, हैं। बिल्कुल सर। एक खुशखबरी है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। इस केस में से आपका नाम पूरी तरह से निकाल दिया गया है, एफआईआर में से भी निकाल दिया गया है, आप बैंक की नौकरी फिर से ज्वाइन कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ईश्वर ने ही आपको मेरे लिए भेजा है ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं ये फोन ले सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो। हेलो मुर्गन। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? क्या मुर्गन, नंबर भूल गए क्या? कम से कम आवाज तो याद रखते मेरी। मैंने पहचाना नहीं। मैं हूँ शांताराम। सर आपने कैसे फोन नंबर बदल दिया? तो सोचा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। तुम्हारे उस दोस्त ऑटो वाले ने ही दिया मुझे। ठीक है, मैंने तुम्हें क्यों फोन किया पता है? एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। बोलिए सर। अगले शनिवार को एक और बैंक को लूटने का प्लान है मेरा। तुम्हारी ड्राइविंग मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए सोच रहा हूँ तुम्हें साथ रख लूँ। नहीं सर, नहीं सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। एक बार जो गलती कर चुका हूँ उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। आपका मेरा कोई लेना देना नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं इस हादसे से उभरा हूँ। प्लीज सर, मुझ पे तरस खाइए सर, मुझसे ये नहीं होगा। मुर्गन, जब देखो बस तू रोता ही रहता है। हाँ एक बात है, काम तू अच्छे से करता है। नहीं। ए, रिलैक्स, थोड़ी देर में मैं तुम्हें फिर फोन करता हूँ। किस टाइम कहाँ आना है तब बताऊंगा। क्या हुआ मुर्गन, एनीथिंग रॉन्ग? नहीं कुछ नहीं सर। क्या हुआ सडनली तुम अपसेट हो गए हो, आखिर बात क्या है? दरअसल मेरा एक पहचान वाला एक्सीडेंट में गुजर गया। किधर और कब? विद्या। सॉरी सर। चेन्नई में सर, उसे एक्सीडेंट के बाद अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वो बचा नहीं यही बताने के लिए फोन आया था। पहचान वाला गुजर गया, इसके लिए आप इतने अपसेट हो रहे हो? मुर्गन यू आर रियली ग्रेट, अनीता यू आर रियली लकी, बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू फॉर अ फैंटास्टिक लाइफ। थैंक यू सर। चलता हूँ सर। नहीं नहीं जाओ। सर क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आइए वो बैठिए, मैं लेकर चलता हूँ ना, संभल के। हाँ सर, हॉस्पिटल लेकर चलूं क्या आपको? नहीं भाई, रॉक टीवी के ऑफिस के जा। ये बात है। वहीं ले लो। ओके सर।
कितना हो गया भाई? 40 रुपए हो गए सर। छुट्टे नहीं है मेरे पास। आप रख लीजिए। थैंक यू सर। सर वो रॉक टीवी के अंदर जा रहा है सर। ऐसा क्या? हाँ सर, आपने जैसा बोला था मैंने उसका पर्स गिरा दिया सर। पर्स लौटाने के बहाने तुम उसका पीछा करो, लेकिन उसे शक ना हो। ओके सर। क्या हुआ मुर्गन, तुम्हारी टेंशन दूर हुई या नहीं? तुम कौन हो क्या हो ये जाने बिना मैंने तुम्हें 10 लाख दिए। सिर्फ उतना ही नहीं, बैंक लूटने के लिए मेरी छोटी सी हेल्प करने के लिए मैंने तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिए, भूल गया क्या? जब भी तुम परेशान हुए हो मैंने ही तुम्हारी मदद की, ये बात कभी मत भूलना। इतने दिन से तू आराम की जिंदगी जी रहा, तुझे फंसाने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। पर मैं वो करूंगा नहीं, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। मुझे छोड़ दीजिए सर, आपके दिए हुए 1.5 करोड़ को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, वापस दे देता हूँ सर, मुझे बख्श दीजिए प्लीज सर। देखो मुर्गन, कोई और नहीं मिला इसलिए मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ। मुझे तेरी सूझबूझ पसंद आई। अगले 1 घंटे में तू मुझे फोन करेगा वरना। हेलो हेलो सर अब्दुल कैच हिम। ओके सर। आई एम अ सीबीआई ऑफिसर। हम अनीता को पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं। तुम हमेशा उसके साथ थे, फिर भी तुम पर डाउट नहीं हुआ। पर उस दिन जब तुम अनीता के साथ मुझसे मिलने आए थे तो फोन पर बात करने के बाद तुम में अचानक चेंज आया। तुम टेंशन में थे और डरे हुए थे, उसी पल मुझे तुम पर डाउट हुआ। याद है तुमने क्या कहा था? एक्सीडेंट में एक पहचान वाला गुजर गया, तब अपोलो हॉस्पिटल में फोन करके मैंने चेक किया। ये CBI का दिमाग है। तुम्हारे कहे मुताबिक उस दिन एक्सीडेंट में कोई मरा ही नहीं था। क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला? फोन पर तुमने क्या बात की और तुमने किससे बात की, ये सवाल मन में उठा। 6 महीना अनीता को फॉलो किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तुम्हें सिर्फ 1 दिन फॉलो किया तो इतने सारे सबूत मिल गए। मुर्गन, तुम उसे कितने दिनों से जानते हो? बैंक रॉबरी होने के कुछ दिन पहले ही बातचीत शुरू हुई। तुम उसे कैसे जानते हो? उसे कभी देखा नहीं सर। सच सच बता दो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी आज तक। अच्छा ठीक है, शांताराम को फोन लगाओ और फोन लगाकर उससे बोलो कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। नहीं सर, जाने अनजाने में ये गलती हो गई सर, आपको ये कैसे समझाऊं? मेरे पापा को ये बात पता चलेगी तो
सुसाइड कर लेंगे। अनीता मुझसे प्यार करती है, उसे सच्चाई का पता चला तो मुझे छोड़ देगी। सर मैं लूटा हुआ पैसा आपको दे देता हूँ, मुझे और मत फंसाइए। बोल रहा हूँ वो करो, जब वो पकड़ा जाएगा तभी मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। मुझे वो हर हाल में चाहिए, तुम बस उसे फोन करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। और सुनो, बात करते समय बिल्कुल भी मत डरना, उसे डाउट नहीं होना चाहिए। मुर्गन, तो क्या सोचा है तुमने? मुझे पता है क्या सोचा होगा, तुम तैयार हो ना? शनिवार त्रिमंगलम ब्रांच आ जाओगे ना? हाँ जाऊंगा सर। That's good. लास्ट टाइम की तरह मुझे टेंशन मत देना, समझे? शनिवार याद रखना, ठीक 1:30 बजे बैंक क्लोजिंग टाइम, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर। मुर्गन, कुंभ लग्न में कुंभ राशि है तुम्हारी, पहली बार जब तुम आए थे तो 1 करोड़ दिया था, इस बार आओगे तो पता नहीं कितने करोड़ दूंगा। ओके बाय। मैं थोड़ा जल्दी ही आ गया, आपके बताए बैंक के सामने खड़ा हूँ। मैं भी आ चुका हूँ बैंक के सामने, ऐश कलर की कार में ही हूँ, आके बैठ जाओ। ओके सर। ये था वो। अब्दुल विद्या उस तरफ से जाओ। Hey! 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 Hey!
कुछ नहीं होगा बेटा। चुप हो जा, चुप हो जा, सत्यमूर्ति तेरा ही नाम है ना। 2010 मार्च अड़ियार शास्त्री नगर ब्रांच में ज्वाइन किया था, नेक्स्ट ईयर सेम मंथ रिजाइन कर दिया। उसके बाद तूने उसी बैंक को लूटा, फिर चिंता त्रिपेट, पल्लावरम, नंदी बाकम, गुमड़ी पुंडी, मणिपाकम, वहां के कई बैंकों को लूटा। अपने इस काम में तूने 6 लोगों को शामिल किया, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें ड्राइविंग आती थी। अब उनमें से 5 लोग मर चुके हैं, एम आई करेक्ट? बिल्कुल। क्यों किया ये सब? मैं कैशियर के पोस्ट पर बैंक में काम करता था। वहां पर मैं लोगों को रोज लाखों रुपए गिन कर देता था। एक दिन मेरे मन में लालच आ गई, सोचने लगा कि ये सारे पैसे अगर मेरे होते तो मेरी क्या जिंदगी होती। इसीलिए लूटा, और उसी बैंक को लूटा मैंने। उन पैसों को खर्च करके मुझे बहुत मजा आया। उसके बाद तो बहुत से बैंक लूटे मैंने। लड़की की खुशबू के बिना रह सकता हूँ, मगर पैसों की खुशबू के बिना मैं नहीं रह सकता। इतने सारे पैसे तूने कहाँ रखे? स्विस बैंक में, अपने 3 अकाउंट्स में डाल कर रखे मैंने। सर,
मुझे छोड़ेंगे क्या? 5 करोड़ दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, उन पैसों को वहीं पड़े रहने दीजिए, बाहर निकलूंगा तभी यूज करूंगा। आपने 5 करोड़ ठुकराए, कोई 10 करोड़ लेगा और मुझे छोड़ देगा। मेरा बस निकलना तो कंफर्म है। पैसे कब देगा? अभी, इसी वक्त, 1 घंटे के अंदर। यहाँ से बस हमें अन्ना नगर जाना होगा। अगर आपको सबर नहीं है तो आधे घंटे में भी दिला सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं आ सकता और तू भी नहीं लौटना। पैसे कब और कहाँ देने हैं मैं तुझे बताऊंगा। ये ले कार की चाबी और निकल यहां से। मेरी ही कार है, बाद में जो होगा मैं देख लूंगा। मैंने लेफ्ट साइड में पार्क की है, ऐश कलर की सुमो, उसे ले और निकल जा। मेन गेट से मत जाना बल्कि बैक गेट से जाना। बाहर का रास्ता वन वे है, कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी कोई नहीं रोकेगा। सर, अगर आपकी कार है तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। सुपर आइडिया सर। ओके, गेट गोइंग। मारिया, मेरी ही गाड़ी में शांताना मार रहा है, शूट हिम। क्यों सर? डू एज आई से, शूट हिम। ओके सर। सीबीआई की जाल में फंसा बैंक का सबसे बड़ा लुटेरा शांताराम, ऑफिसर को गोली मारकर भाग रहा था, ठीक उसी वक्त वो लुटेरा एनकाउंटर में मारा गया। हेलो। हेलो मुर्गन, कैसे हो तुम? कौन बोल रहे? मैं शांताराम बोल रहा हूँ। शांताराम सर, आप सोच रहे हो कि मैं जिंदा कैसे हूँ? दुनिया के लिए मर चुका हूँ मगर तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। सर, मैं कुछ समझा नहीं। ठीक है, मैं समझाता हूँ। हेलो सर। दीपक, मैं शांताराम बोल रहा हूँ। आप बोलिए सर। तुम्हारी कहानी सुनी मैंने, मेरा दिल रो पड़ा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें सिर्फ 3 लाख रुपए चाहिए ना? वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा। सच बोल रहे सर? जल्दी ही मिल जाएंगे। तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या? हाँ आती है सर। तो फिर एक काम करो, आदम बाग गांधीनगर के पास 3rd स्ट्रीट में ऐश कलर की एक सुमो खड़ी है, TN10B
3875 और उस कार में ब्लैक कलर की टी शर्ट रखी हुई है, उसे पहन लेना। और तुम्हारे पास जो बाइक है उसकी चाबी बाइक में छोड़कर और इस कार को लेकर अन्ना नगर आने के बाद मुझे फोन करना, मैं पैसे का इंतजाम करके रखता हूँ। ओके, मैं बस अभी आता हूँ सर। इसके बाद तू मुझे कभी फोन नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब चाहूं तुम्हें फोन कर सकता हूं। ओके सर, सर मैं यहीं पर हूं, तो फिर तुम किसे ढूंढ रहे हो? नहीं, किसी को नहीं, चलो बैठ जाओ। अच्छा सुनो, तुम सिम कार्ड चेंज करने वाले थे, कर लिया क्या? करूं या ना करूं क्या फर्क पड़ता है, उसे पंगा करवाना है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता।